किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यू कर पाएगी आगे फ्यूचर में या नहीं, ये उसके कंटिन्यूटी प्लानिंग कितनी अच्छी की हुई है, कितनी लॉजिकल करी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये क्यों करनी चाहिए? और ऑर्गेनाइजेशंस तो हमने पहले पिछली वीडियो में देखा, ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है, सिंपल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, सिंपल लाइक इंडिविजुअल से लेके कॉम्प्लेक्स एज कंट्री तक हो सकती है। और क्योंकि ये अलग अलग टीम्स से, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऑफ डिफरेंट टीम्स एंड टीम हैज़ इनहेरेंट, इट यूजेज, टीम हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट यूजेज बेसिक रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज के कुछ इनहेरेंट एनिमीज हैं, या कि जिनकी हमने बात करी थी कि यस दे इनहेरेंट एनिमीज आर हजार्ड्स विच पोज थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। और ये चीज़ हम पे क्यों क्यों करनी चाहिए बेसिकली, ताकि हम रिस्क और मिसहैप मिनिमाइज कर पाए, या कुछ और बात है। तो ये चीज़ समझने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसी भी हो, सिंपल, छोटी, बड़ी, कॉम्प्लेक्स कैसी भी हो, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, लिविंग इंडिविजुअल की तरह या लिविंग एंटिटी की तरह, उनकी भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स होती है, राइट? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, दे विल पेरिश। अभी उस पर अलग बात करते हैं, बट यह सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम कैसे मैनेज करते हैं, एक छोटा सा रिकैप कि सेफ्टी रिलेटेड अगर हम डायमेंशन है तो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हजार्ड्स हैं, कहाँ कहाँ पे थ्रेट्स पोज होती हैं, कहाँ कहाँ पे रिस्क हैं, और वहाँ पे हम उन अनसेफ कंडीशंस को, लेट से अगर कोई कहीं सी जगह पे हमको किसी भी टाइप की अनसेफ कंडीशन दिख रही है, तो जिससे अनसेफ एक्ट हो सकता है, सब्सिक्वेंटली नियर मिस, फर्स्ट एड और लॉस्ट टाइम इंसिडेंट्स होंगे, और मे बी फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, उन अनसेफ कंडीशंस को ही बेसिकली कम करें, मिनिमाइज करें या हटा दें। अगर हम ये कर सकते हैं, वी हैव रिड्यूस्ड द चांसेस ऑफ सेफ्टी रिलेटेड एरर्स। लाइकवाइज सिक्योरिटी रिलेटेड डायमेंशन में हम थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, थ्रेट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और मिसहैप्स के सिनेरियो को रिड्यूस करने के लिए, सिक्योरिटी मिसहैप को मिनिमाइज करने के लिए, या उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम मेजर्स लेते हैं। और इसीलिए हमें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटी सी एनालॉजी कि अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी रिलेटेड डायमेंशन पर नहीं ध्यान देंगे तो क्या होगा, सेम चीज़ वैसे ही जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग उसके ऑर्गन्स, उनकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि अच्छा ऑर्गन्स, सारे वाइटल ऑर्गन्स सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, देन द पर्सन इज हेल्दी। और कोविड सिनेरियो में हमने देखा कि जिनकी इम्यूनिटी, जिनके ऑर्गन्स सही तरीके से फंक्शनल थे, लाइफस्टाइल रिलेटेड पैरामीटर्स पे ज़्यादा बड़ी थ्रेट नहीं थी, रिस्क बड़ी नहीं थी, कोई इम्पोज इनहेरेंट कोई हजार्ड था नहीं बॉडी के अंदर ही, तो वहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। और ये चीज़ सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी जगह पे हम ये चीज़ देखते हैं। पर लाइकवाइज सेम एनोलॉजी हम ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म कितने भी बड़े हों, स्पीशीज़ कितनी भी बड़ी फैली हुई हो, अगर वो सही तरीके से चेंज को अडेप्ट नहीं करती, देन इट मे एक्सटिंक्ट। ये चीज़ हम इवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। और अभी रिसेंटली इंडिविजुअल्स की स्टोरी लो, चाहे बिजनेसेस की स्टोरी लो, बहुत सारे बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए, ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, नेशंस के नेशंस की जीडीपी नीचे आई कोविड सिनेरियो के एक साल के अंदर अंदर, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ। तो ऐसी चीज़ में आगे क्या है, कैसे सर्वाइवल, कैसे बिजनेस कंटिन्यूटी करेंगे, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस टाइप के चेंज के सिनेरियो हिस्ट्री में बार बार आते हैं, चाहे वो वॉर के थ्रू आए, इकोनॉमिक रिसेशंस के थ्रू आए, और इनफैक्ट दोनों के तौर पे बार बार साइक्लिकल फॉर्म में आते हैं, और इसके पीछे भी लॉजिकल फ्रेमवर्क्स हैं। दिस इज़ नॉट लाइक फ्लूक और एन एक्सीडेंट कि चीज़ें अचानक बढ़ती हैं, फिर कुछ टाइम स्टेबल रहती हैं, देन फॉल डाउन, देर इज सीरियस साइंस बिहाइंड इट। So nothing to left to chance. We must have our safe continuity planning intact. जब भी अगर हम छोटा सा startup related idea भी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी basic continuity planning के ingredients solid अगर रहेंगे, otherwise chance पे रखा है, then yes, definitely best of luck. क्योंकि 90% के आसपास ज़्यादातर
बिजनेसेस अपनी कंटिन्यूटी प्लानिंग की बात कहें चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, वो अपना रिकवरी सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है ज़्यादातर जगह पे। सो यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू, बट इफ़ यू आर सीरियस देन यू मे लाइक टू अंडरस्टैंड वॉट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग विच इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करूँगा, दिस इज जस्ट अ प्रिकर्सर फॉर फर्दर डिस्कशन फेस टू फेस। बट येस, एक आउटलाइन है सो दैट यू कैन रीकैप एंड रीड द आर्टिकल्स बेटर। बेसिकली BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग दैट एलिमेंट डी इज इट्स ऑपरेशनल पीसेस ऑफ BCP आर दिस रिजम्पशन प्लानिंग। रिजम्पशन में बिजनेस रिज्यूम करने की प्लानिंग, जब भी डिजास्टर आया तो डिजास्टर आया तो बिजनेस को रिज्यूम करना। अब ये क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग क्या है, क्योंकि ये तो उसका ऑपरेशनल पीसेस है, राइट? तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग क्या है, ये है इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स टू रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशंस फॉलोइंग अ डिजास्टर। अब डिजास्टर, क्राइसिस, एमरजेंसी, सिनोनिम जैसे मिलते जुलते वर्ड आ रहे हैं, पर इसके ऊपर भी हम देखेंगे अभी। सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स टू रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशन फॉलोइंग अ डिजास्टर विथ मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशन। योर बिजनेस ऑपरेशन शुड हैव मिनिमम इम्पैक्ट एंड इट शुड रिकवर विथ मैक्सिमम स्पीड। दैट इज वॉट यू प्लान इन योर कंटिन्यूटी प्लानिंग। एक और वीडियो है जिसमें विप्रो और रिलायंस का जो एग्जाम्पल लेके कुछ गहरे क्वेश्चन ट्रिगर करने की कोशिश की थी, इसके बाद में इस पर डिस्कशन भी एक्सपेक्टेड था। यस, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मटीरियल फॉर एमरजेंसी action, necessary emergency action, and it is a planned procedure to eliminate unnecessary decision making immediately after disaster. यहाँ पे हम preventive तरीके लेते हैं, preventive measures लेने की बात करते हैं, जो भी हमने envisage किया है hazard, crisis, disaster, emergency, उनके अंदर preventive measures क्या क्या लेंगे और किस तरीके से लेंगे ताकि unnecessary decision making disaster के समय नहीं हो। उस टाइम हम सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करते रहें, और ये इसलिए करते हैं ताकि हम टोटल डिजास्टर की चांसेस रिड्यूस कर पाए, राइट? तो ये तो था बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का पार्ट। उसके उसका ऑपरेशनल पार्ट इज रिजम्पशन प्लानिंग, उसका टेक्निकल पार्ट इज डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। दिस इज द टेक्निकल एस्पेक्ट। यू मे सी दैट डिजास्टर, क्राइसिस, एमरजेंसी मिलते जुलते हैं, अभी आपको शायद पार्ट समझ में आ जाएगा। डिजास्टर BCP दैट एलिमेंट डी, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ पे क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में हम करते हैं। व्हाट इज डिजास्टर? इट इज नेगेटिव आउटकम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस अगेन अ न्यू टर्म। व्हाट इज क्राइसिस? वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट यस, नेगेटिव आउटकम ऑफ अ क्राइसिस इज डिजास्टर, एंड इट इज कोलैप्स ऑफ, डिजास्टर इज अ कोलैप्स ऑफ कल्चरल प्रिकॉशंस। इट इज नॉट टेक्निकल, इट इज नॉट एनीथिंग एल्स, इट इज कल्चरल प्रिकॉशंस का कोलैप्स होना, क्योंकि इट फॉर डीलिंग विद सोशियो टेक्नोलॉजिकल फिनोमेना। एक इंसान है और टेक्नोलॉजी है, उस सोशियो टेक्नोलॉजिकल फिनोमेना को सिस्टमेटिक तरीके से फेस करना, वो हम डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में उस एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। बिकॉज सी, ये चेंजेस, ये सिनेरियो बार बार आते हैं और ये हेल्थ रिलेटेड पार्ट है। दैट इज हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव। अ डिजास्टर कैन स्ट्राइक एनी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज और स्मॉल। रिसेंटली वी सॉ अ बिग नेम अडानी ग्रुप वर्सेस अ स्मॉल रिसर्च ग्रुप। एक छोटा सा 16-17 एम्प्लॉयज का रिसर्च ग्रुप एक बहुत बड़ी माइटी एम्पायर को बहुत बड़ा चैलेंज दे देता है। आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज बैड, व्हाट आई एम सेइंग, अ डिजास्टर कैन स्ट्राइक एनी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल और बिग, एंड इट कैन कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन। So you better be prepared for it. Whether the business recovers or not, or whether it is still operating 12 minutes after, depends on advanced planning which has taken place. This means action before and not after disaster strikes, which matters. So यहाँ पे basically हम उन irreversible situations वाले scenarios की को देखते हैं, समझते हैं और उनको एनालाइज करते हैं और उनसे डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिए जाने वाले एक्शंस हैं इन सिचुएशंस में, उसके बाद में तो फिर रिपेयर, डैमेज और पब्लिक इंक्वायरी और ब्लेम गेम ही बचता है, राइट? अगर हमने सही तरीके से प्लानिंग करी है देन वी कैन मैनेज इट, अदरवाइज
इट इज एवरीथिंग लेफ्ट टू चांस. दैट इज वॉट फॉल्स अंडर डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग. एंड वॉट इज क्राइसिस मैनेजमेंट? डिजास्टर इज अ नेगेटिव आउटकम ऑफ क्राइसिस. सो वॉट इज क्राइसिस? क्राइसिस इज कंडीशन और सिचुएशन विच रिक्वायर्स अर्जेंट एक्शन. इट इज अगेन नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे फिजिकल इम्पैक्ट की बात नहीं कर रही है. क्राइसिस किसी भी टाइप का आ सकता है. इट इज एन अनस्टेबल टाइम और स्टेट ऑफ अफेयर जहाँ पे हमें डिसाइसिव चेंज दिख रहा है, और अगर एक्शन नहीं लिया तो वो डिसाइसिव चेंज किसी भी दिशा में हो सकता है. वो हाईली डिजायरेबल और पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है, अनडिजायरेबल आउटकम भी हो सकता है. तो क्राइसिस के टाइप्स क्या होते हैं, ये किसी भी तरह, लेट्स से आपके प्रोडक्ट में सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज, आपके यहाँ पे कोई स्ट्राइक हो गई, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी नेगेटिव इमेज हो गई कंपनी की, नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन हो गया, किसी भी टाइप का चीज जो आपके यहाँ पे किसी भी टाइप की वोलेटिलिटी या किसी भी टाइप का क्राइसिस स्टिर करे. सो वाई इज क्राइसिस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट? क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स आपको जो भी फिजिकल डिजास्टर के अलावा किसी भी टाइप का जो क्राइसिस है किसी भी डायरेक्शन से आए उससे डीलिंग का फोकस रहता है क्राइसिस मैनेजमेंट में, कि हम कैसे प्री क्राइसिस स्टेजेस में हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें जो अभी विजिबल नहीं है, और उस एक्यूट क्राइसिस के टाइम में हम उनसे कैसे डील करेंगे. अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम क्राइसिस के टाइम में कैसे डील करेगी, कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को डील करना चाहिए क्राइसिस के बाद में, और हम उस टीम को कैसे सेलेक्ट करें, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और क्राइसिस को आइडेंटिफाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ कहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इमीडिएटली जो इंसिडेंट है वो हमें इमरजेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये इमरजेंसी हमें बता रही है कि नेक्स्ट क्राइसिस इज इम्पेंडिंग, इट्स वेटिंग फॉर अस एंड वी नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन. और वहाँ पे हमारे कोर अजम्पशंस बहुत क्लियर होने चाहिए. अगर हम अजम्पशंस में कोई भी छोटी सी भी गड़बड़े करें, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड सच टाइप ऑफ थिंग, राइट? द अजम्पशन दैट पीपल व्हेन कन्फ्रंटेड विद क्राइसिस विल एक्ट रैशली इज जस्ट एज डेंजरस एज द अजम्पशन दैट पीपल मैनेजिंग द क्राइसिस विल एक्ट रैशली एंड विदाउट इन्फ्लुएंस फॉर आउटसाइड फोर्सेज. फियर, ह्यूमन एरर, लॉस ऑफ मेमोरी, परप्लेक्सिटी, कन्फ्यूजन, दीज आर इनएविटेबल प्रेशर्स विच ह्यूमन बींग मे एंड विल एनकाउंटर. सो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान शुड बी सच दैट यू ओवरकम, यू लीव नो स्कोप फॉर सच टाइप ऑफ एरर्स एंड यू मेक इट सिस्टमेटाइज. आगे का डिस्कशन भी इज एम्ड फॉर क्लासरूम डिस्कशन इस सिनेरियो, बट आई होप ये चीज़ थोड़ी सी हमें क्राइसिस मैनेजमेंट रिलेटेड पार्ट क्लियर हुआ है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है. बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग में हम फिजिकल डैमेजेस की बात करते हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट डज नॉट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग में इट डज नॉट इन्वॉल्व दोज इंसिडेंट्स विच डज नॉट कॉज फिजिकल डैमेज आर इंक्लूडेड इन क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग. हियर विच इन्वॉल्व इंसिडेंट विच इन्वॉल्व फिजिकल डैमेज, मे बी फायर, मे बी आर्सन, मे बी व्हाट यू कॉल Blevy or a big explosion, right? Physical damage. Here, maybe reputation related. Plan is based on worst case scenario, and here crisis management plan does not address specific types of crisis. This is small classification. We will not right now talk about these terms. But what I am trying, video ko jada lambi nahi karte hue, ek important baat ki organizations chahe organism kaise bhi ho, ek bahut hi unique change wale scenario mein hum अभी खड़े हैं 2023, एंड इट इज़ अ गुड टाइम फॉर लेट्स से स्मॉल प्रॉमिसिंग आइडियाज टू कम एंड टेक बिग शेयर. एंड यस, फॉर दोज हु आर ऑलरेडी हु हैव डन गुड कंटिन्यूटी प्लानिंग, दे देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेस. बट दोज हु हैव इवन इफ दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड इफ देयर कंटिन्यूटी प्लानिंग इज लेट्स से लेफ्ट टू चांस, देन गॉड save you, right? And this is a reality we have seen.